बहुत बहुत मेहरबानी जी। स्टेज पे विराजमान आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, नेता विरोधी धिर पंजाब हरपाल चीमा जी, पंजाब के प्रभारी तीजी बार तिलक नगर तो MLA जरनैल सिंह जी, राजिंदर नगर तो MLA और पार्टी के स्पोक्सपर्सन ते पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्डा जी, मेरे खब्बे पासे साड़ी विधायकों की टीम है जिहड़े जदों भी मौका मिलता है भावें विधानसभा भावें सड़क ते आम लोगों के मुद्दे सरकारां दे कन्नां तक सरकारां दीआं अक्खां तक पहुंचाउण दा यतन करदे रहिंदे आ। ते मेरे सामने बैठे जलंधर इलाके दे व्यापारी कारोबारी भरा सारयां नूं मेरी सति श्री अकाल नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते मैं सब तो पहला दुर्गा अष्टमी दीआं सारयां नूं मुबारकां दिंदा। अज इत्थे आउण दा मकसद जिहड़ा कोई ना तां वोटां नाल संबंधित है ते ना ही कोई राजनीति नाल संबंधित है, क्योंकि वोटां च हजे टाइम पिया है ते राजनीति जिहड़ी है वह तो चलदी हो रहिंदी है। आम आदमी पार्टी जिस वेले बनी सी उस वेले यह कहा सी असी राजनीति करन नहीं, असी राजनीति बदलना आए हैं। और पूरे देश दे विच तुसी देख रहे होंगे कि राजनीति की दशा ते दिशा बदल रही है। कई बार जिहड़ियां छोटियां पार्टियां ने असी अपने आप नूं छोटी पार्टी मानते हैं क्योंकि हजे 6-7 साल पुरानी पार्टी है, वो नंबरां च भावें पिछे रह जांदियां ने पर वड्डियां रवायती पार्टियां दे एजेंडे रीसैट जरूर करा दिंदियां ने कि यार इदां कर लो नहीं तां ये अगे आ जाणगे, इदां कर लो नहीं लोग उधर जा रहे ने। वो तुसी हर रोज देखते होंगे जिहड़े पहलां हैलीकाप्टरां ते आउंदे सी, इदां करके वापस उसे हैलीकाप्टर चले जांदे सी ते हैलीकाप्टर दी जिहड़ी धूड़ है असीं तां उहनूं देख के खुश हो जांदे सी ते वोटां पै जांदियां सी उहनां नूं वी चलो इन्ना कु तां देखिआ बंदा। पर आम आदमी पार्टी ने वड्डियां रवायती पार्टियां दा एजेंडा रीसैट कराता, हुण हैलीकाप्टर ते नहीं आउंदे, हुण देश दा गृह मंत्री दिल्ली दे विच गलियां दे विच घर घर जाके परचे वंडदा फिरदा हुंदा है, साडे ख्याल रखियो जी, साडा ख्याल रखियो जी। कारण कितें आम आदमी पार्टी नाल अगे आ जाए। तो इनू इनू ये मनो ये आम आदमी पार्टी की प्राप्ति है जो लोगों को गिफ्ट दिता है कि लीडर धरती ते लियांदे ने, कि लीडर जिहड़े ने वो लोगों च आउण लगे ने, लीडरां नू सवाल होण लगे ने। नहीं तो मैं खुद जो अपने पिंड हुंदा सी छोटा हुंदा कोई MP आउंदा सी तां मैं सारा पिंड इदां हथ बन के कंबदे हत्थां नाल डरिया होया बैठ के उसका भाषण सुनते देखा होया, कोई नहीं बोलता सी, वो जो बोली जाता वो सच है, जे कोई मूहरों बोलने की कोशिश करता नाल दे चुप करा दिंदा सी कि ना ओए इहदे मूहरे ना बोल, MP है जिहड़ा इहदे मूहरे बोलता हुंदा उहनूं पुलिस फड़ के लै जांदी है। आ डर पैदा किया होया सी, हुण लोगों नूं इह पता लग गया, सवाल हुंदे ने लीडरां नूं कि दसो जी तुसीं किहड़े मुद्दे चक्के ने विधानसभा च, किहड़े मुद्दे चक्के ने पार्लीमेंट च, दसो जी की विकास किया, जिहड़ा मैनीफेस्टो जारी किया सी उह चों किन्ने वादे पूरे करते। हुण सब कुछ क्लीयर, इसे करके दिल्ली दे विच तीजी वार सरकार बनी है, एडे एडिया फौजा उन्हां दीआं। मैं तां दिल्ली च असीं प्रचार करदे आ जदों कोई गली इहो जिही नहीं होगी जिहड़ी गली च कोई MP ना फिरदा होवे BJP दा, चलो कांग्रेस दा तां छड्डो उह तां 2015 च ते 2020 च कांग्रेस दीआं तां
उन्होंने तो कोई नुकसान नहीं होया, तो बिल्कुल कांग्रेस अपनी जगह बना के रखी हुई उन्होंने, वो 15 च भी जीरो थे सी, 20 च भी जीरो थे, वो बिल्कुल ठीक ने। बीजेपी की फौज मंत्री मुख्यमंत्री हर तीजी गली बाद मुख्यमंत्री फिरदा हुंदा सी, ते इधरों कौन सी अरविंद केजरीवाल। पर फर्क इन्ना सी, वो सारे गल कर रहे सी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शहीन बाग फलाना तिमका इमका पाकिस्तान का राज आ जाऊगा, पाकिस्तान च पटाखे चलणगे फलाना, ते अरविंद केजरीवाल कह रहे सी होर वधिया स्कूल बनावांगे, होर वधिया महला क्लीनिक देवांगे, होर वधिया थानू हैल्थ सिस्टम देवांगे, पानी का होर वधिया सिस्टम करके देवांगे, महिलावां की सुरक्षा वास्ते होर अच्छे एफर्ट्स करांगे। आ फर्क सी, तां दिल्ली दे लोकां ने उन्हां नूं नकार के विकास वाले पासे नूं वोटां पा दी। सो इस करके आम आदमी पार्टी अज तुहाडे कोले आई है कि तुसीं देखो ड्राइंग रूम च बह के लिखना बहुत सौखा, भी यार इंडस्ट्री नूं किन्ने कहिंदे ने यार कांग्रेस वाले ने किन्ना कहा, वह सर 5 रुपये कहा बिजली 4 कर दो, कड़ा देनी हुंदी है 4 लिख दो, उन्होंने आटा किन्ना कहा, उन्होंने आटा कहा जी 3 रुपये किलो, आप 2 रुपये कर दो, कौन कहड़ा सरकार बनाओ जी, ताम दाम दंड भेद जिहड़ा मर्जी वरतो। पर आम आदमी पार्टी जिहड़ी है, क्योंकि देखो दर्द तुहाडे कोले, असी उत्थों दिल्ली बह के या चंडीगढ़ बह के उहदा इलाज नहीं कर सकते किसी वाईफाई राही या किसी ब्लूटूथ राही, तुहाडे कोले ही आना पऊगा सानू। अज तुहाडे कोले आए हां, तुसी अपने सुझाव दसो, तुसी अपने दर्द दसो। वैसे तो पता ही है कि पूरे पंजाब च देर इज नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट ऑल, सब इंडस्ट्री जिहड़ी है खत्म करती, पलायन कर गए, कोई बदी नूं जांदा है, कोई किधरे चला गया, कोई मतलब लभ रहे हैं कोई होर तरीके कि किवें ना किवें इत्थों निकल जाइए, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होवे जलंधर की, चाहे हौजरी इंडस्ट्री होवे लुधियाने की, पिछले दिन उन्होंने असीं गलबात की सी, चाहे राजपुरा चाहे मंडी गोबिंदगढ़ लोहे की इंडस्ट्री है, धारीवाल बटाला मतलब गोराया टोके दी मशीनां बन दियां सी, अज उजाड़ होया पिया जी आ नाल अपने गोराया। सो ये तो पता है सारयां नूं, पर अंदरलियां गल्लां जिहड़ियां ने अंदरले दर्द जिहड़े ने तुहानूं पता है कि की कर सकते हाँ आने वाले दिनों च, जदों लोकां दी सरकार आई पंजाब दे विच तां उह च की आपां कर सकते हैं, तुसीं की उम्मीद करदे हो। नाले तां देखो इंडस्ट्रियलिस्ट नूं डराउणा डिफरेंट है, वह तो डराउंदे ही रहिंदे है, नाले तुहाडे खजाने भरन नाले सरकार दे भरन, ये की करदे है, ये तुहाडे तां खाली रखदे है, आपदे परसनल खजाने भर लैंदे है, ना तो कोई नवी SEZ बनिया, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी, ना नवा स्कूल बनिया पंजाब च कोई, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी, ना कोई नवा कॉलेज बनिया सरकारी, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी, ना कोई नवा हॉस्पिटल बनिया, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी, असी टैक्स देंदे रहे खजाना किवें खाली रह गया जी, फिर सड़कां बनियां ने प्राइवेट कंपनियां ने बनाईयां ने, हर 20-25 किलोमीटर बाद टोल टैक्स आउंदा है, उन्होंने बनाईयां ने 25-25 साल दे एग्रीमेंट ने, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी, ते वोटां तो पहलां जदों अनाउंस करना हुंदा उदों खजाने च पैसे कित्थों आ जांदे ने। फिर इसे करके फर्क यही है कि वह जिहड़े ने पॉलीटिशियन ने, वह राजनीतिक लोग ने, उन्होंने मतलब है सलाहकार दे देंदे है पैसे भी किवें करना है की करना है आ सीट का की है तो यह की आ कर ले, ते जिहड़े साडे मुख्यमंत्री ने वह IRS अफसर ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चों नौकरी छड्ड के आए हुए हैं, इन्हें सारा पता है पैसा कित्थों आउंदा है, कित्थों ओपरेट करना है, कित्थे जनरेट करना है। जिस वेले इनकम टैक्स जिस वेले IRS का पेपर क्लीयर होया रिजल्ट आ गया तो केजरीवाल साहब लभे ही नहीं करदे नूं कित्थे ने, 10-15 दिन लग गए इन्हां लभण नूं, यह दसण नूं कि तुसीं अफसर बन गए, ये उदों झुग्गियां झोपड़ियां च गरीब लोगों की सेवा करते फिरदे सी, ते जदों अफसर लग गए देखिया अंदरला हाल तो थोड़े चिर बाद
ਕਈ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ITO ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। 49 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। 49 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਚੱਲੂਗੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ 8 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜੀ, 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਬੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ NRIs ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਈ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੀ ਘਾਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਗ ਜੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੈਰਾਮਨੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।